जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो सवालों के जवाब सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जो मेरे वीडियो को देख के कमेंट्स किया है तो वो कमेंट्स मैं पढ़ने जा रहा हूं और आपके नाम को भी मैं पढ़ूंगा उसमें। आपके कमेंट का जो सवाल है कमेंट्स पे उनके जवाब भी दूंगा, तो जरूर देखते रहिए, कहीं आपके कमेंट्स तो नहीं है तो जरूर पूरा वीडियो देखिए दोस्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आया है आपका @RauthanNeeraj8767, ये यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। और आप पूछ रहे हैं कि सर मैं 17 साल का हूँ, क्या इलेक्ट्रिक ओला चला सकता हूँ? अभी नहीं बट 4 या 5 महीने बाद क्या चला सकता हूँ? उत्तराखंड से है। तो दोस्तों मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सभी आपके माध्यम से पूरे अपने साथियों को जवाब देना चाहता हूँ कि ओला जो है एक्चुअली ओला हो गया या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इनके लिए जरूरी होता है दोस्तों, तो 18 ही जरूरी नहीं है कि 18 हो गए आप चला सकते हैं। जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो जाता तब तक आप ऐसी गाड़ियां नहीं चला सकते। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि आप नहीं चला सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं हो जाता। दूसरा है कंचन प्रिंसेस 88, ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम है और मुंबई से हैं आप। सर मैं मुंबई में रहता हूं और मुझे लाइसेंस बनवाना है बट मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड यूपी भदोही का है। ठीक है, तो मुंबई में मेरा खुद का रूम है और यहाँ वाले बोल रहे हैं कि आप एड्रेस चेंज करा ले फिर करवा सकते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ अगर ऐसी किसी के साथ सिचुएशन है तो जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है दोस्तों जहां आप अभी वर्तमान में रह रहे हैं, तो वो प्रेजेंट एड्रेस या टेम्परेरी एड्रेस को आप एड्रेस प्रूफ को लगाएंगे तो आपका लाइसेंस बन जाएगा साथियों। ठीक है, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं अगर वहां का परमानेंट आप रहवासी नहीं है तो भी आपका बन जाएगा लाइसेंस। ओके, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है और @DemMumbaikar करके है आपका चैनल का नाम। सर आई एम 16 इयर्स ओल्ड, मैं मुंबई में रहता हूं, कैन आई ड्राइव इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर विदाउट लाइसेंस विच हैज स्पीड लिमिट? चला सकते हैं आप दोस्त, 16+ होना चाहिए इसके लिए। और आपका जो क्वेश्चन है कि स्पीड लिमिट वाली क्या इलेक्ट्रिक स्कूटी हम चला सकते हैं बिना लाइसेंस के, तो आप चला सकते हैं, आप ही नहीं पूरे देश में सभी लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ दोस्तों। चौथा प्रश्न आता है मेलो गेमर इंडिया, ये आपका यूट्यूब चैनल है मेलो गेमर इंडिया। सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम जबलपुर, ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं। सर आप कहाँ रहते हो, आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं शहडोल में रहता हूँ दोस्तों, शहडोल मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक सुना होगा आपने, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल उसके समीप है शहडोल, खुद जिला मुख्यालय और संभागीय मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेपाली बॉय मिनी ब्लॉग करके आपका यूट्यूब चैनल है। नमस्ते सर, मैं आसाम से हूँ लेकिन अभी बेंगलोर पे रहता हूँ और मेरे पास आसाम का ड्राइविंग लाइसेंस है। सर ये बताइए कि मुझे मेरा जो लाइसेंस वो सभी स्टेट में काम आएगा या नहीं? दोस्तों मैं इनको भी बताता हूँ और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य से आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है तो वो पूरे देश में बराबर मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है दोस्तों, नेपाली बॉय मिनी ब्लॉग करके चैनल है, आपको संतुष्ट हो गए होंगे मेरे जवाब से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, हेलो सर मैं धुले महाराष्ट्र में रहता हूँ, इधर ट्रैफिक और रूल्स कोई फॉलो नहीं करता है, क्या करना चाहिए? कई जगह पर 1-7-6 रास्ते निकलते हैं, कोई भी किधर भी गाड़ी चलाते रहते हैं, मेरा बेटा इस ट्यूशन जाता है साइकिल से, बहुत डर लगता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मैं ये आपका @bachelor2u करके आपका ये यूट्यूब चैनल है, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, एक माँ की ये आवाज है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जाके बोलिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी जिला मुख्यालय पे वहाँ पर हैं माननीय कलेक्टर माननीय पुलिस अधीक्षक, इनसे आप बात करें और वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगाई जाए, क्योंकि 6-6 रास्ते हैं आप बता रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी भीड़ भाड़ का समय रहता है, पीक आवर्स इसको कहते हैं हम, सुबह और शाम जब ज़्यादा लोग ऑफिस वगैरह के लिए निकलते हैं और सड़क पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उस समय ज़रूर कोई ना कोई ड्यूटी पर वहाँ तैनात रहे और लोगों को इशारा करे कि और रोके टोके ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7 है @Paresh_FF281 यूट्यूब चैनल है इनका। सर बच्चे गाड़ी क्यों नहीं चला सकते हैं, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव फ्रॉम गुजरात सूरत मांडवी।
तो दोस्त मेरे भाई परेश, आपको बता दूं, बच्चों का जो है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ है, 18 से कम के जो रहते हैं उनमें इतना ज्यादा दिमागी तौर से इतने विकसित नहीं होते, शारीरिक रूप से उतना बलवान भी नहीं हो पाते हैं, गाड़ी वगैरह संभाल सके, गाड़ी से गिरेंगे, पता चला गाड़ी उनके ऊपर, वो नीचे दबे हुए हैं, गाड़ी उठवा भी नहीं पा रहे हैं, तो सारी समस्याएं हैं और मैच्योर नहीं हो पाते हम मानसिक और शारीरिक रूप से। इसलिए सरकार ने ये सोचा है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लाइसेंस नहीं जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड की बाइक कर्नाटक में, ये इनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, @SameerKhanOfficial1234 आपका यूट्यूब चैनल है, तो इस पे उत्तराखंड की बाइक कर्नाटक में ले जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने दिन रखने की अनुमति है। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है जी, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो शमीर खान ऑफिशियल, समीर खान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की बाइक या किसी भी स्टेट की बाइक किसी दूसरे स्टेट में अगर आप ले जाते हैं, शुरुआती दिनों में आपको एक साल तक कोई समस्या नहीं रहती है दोस्तों, लेकिन अगर आपको ज्यादा वहीं रहना है, वहीं के रहवासी बनना है, तो आप एक साल के भीतर ही आपको वहां का राज्य का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंकित मालविया, @AnkitMalviya यूट्यूब चैनल है, सर मैंने भोपाल से 2020 में कार परचेस की थी, भोपाल पासिंग ही है, उस टाइम शोरूम से HSRP नहीं दिया गया था, अब लगवाने के लिए भोपाल ही जाना होगा, क्या मेरा रेजिडेंस राजगढ़ है, तो राजगढ़ से है अंकित मालवीय जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन HSRP बुक कर सकते हैं और आप उसको कोरियर से मंगवा भी सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी मैंने बता दिया है आपको कि शोरूम वगैरह का आप कर सकते हैं और जैसे शोरूम में आता है तो उसे कोरियर द्वारा मंगवा सकते हैं, उसको लगवा भी सकते हैं, उसी जिले में जाने की जरूरत आपको नहीं है। ओके अंकित मालवीय जी, अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, 10वां प्रश्न है कि सर क्या आगरा बाइक पे, सॉरी सर, क्या अगर बाइक पे चलने वाले ने हेलमेट लगा रखा हो तो पीछे वाले ने नहीं, तो उसका चालान कटेगा क्या, और कटेगा तो कितना कटेगा। आप है सौरभ वर्मा 376, ये आपका YouTube चैनल का नाम है, तो इनका सवाल है और सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो बिना हेलमेट का चालान है जो पीछे बैठे हैं उतना ही चालान उनका भी कट सकता है, इसलिए हर एक राज्य में जो दरें जो उनकी, जैसे मध्य प्रदेश में 300 का चालान होगा बिना हेलमेट का, 300 रुपए का वर्तमान स्थिति पे मध्य प्रदेश का है, और दूसरे राज्यों में 1000 रुपए का है उस दर से, और कुछ राज्यों में अलग भी पिलियन राइडर्स के लिए हो सकता है, तो निश्चित तौर पर आपको अगर दो पहिया वाहन में पीछे भी बैठ रहे हैं तो आपको हेलमेट जरूर लगाना है। कैसी लगी आपको ये सीरीज बताइएगा और शेयर कीजिएगा, अगले सीरीज में कहीं आपका कमेंट्स तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं आपके चैनल का प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितने चैनल का मैंने नाम लिया है दोस्तों कहीं ना कहीं से वो प्रमोशन ही है उनका, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जय हिंद जय भारत।